नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं गौरव चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टर को एक्टर एट Neo-Flix। सो मिस्टर जावेद जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे Neo-Flix सीरीज की पहली मूवी जो आने वाली है लाइफलाइन और सिटी विद एडिक्शन में एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ मैं, और सर के वैसे तो एक कैरेक्टर है अंश जो कि बहुत प्यारा कैरेक्टर है। अंश तुम? जिसमें जो सर का कैरेक्टर है वो बहुत ही प्यारा लिखा गया है, उसके लिए मैं राइटर की तारीफ करना चाहूँगा कि राइटर ने इतना प्यारा लिखा है। Actually, script is very nice. So, I have seen that before, and I was reading that story and from the director. That was his very, you know, that was like suspense kind of. So, it's matching from the everyone's story. So, I like that script. So, that's why I just signed that. Hey, chal nikal. Now you continue. Yeah, that's a really, really good person. I like person. Persons like that, because such type of actors are the willingful actors. Willingful actors, I mean that ki ऐसे एक्टर्स जो कि कुछ करना चाहते हैं जीवन में लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एंड एज यू नो वी आर Neo-Flix, जो कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए ही आज यहाँ बैठे हैं। सो हमारी जो अभी तक की कोशिश रही है वो यही रही है कि हम जिन लोगों से भी जुड़े, जिन लोगों से भी मिले, वे हमेशा अपने टैलेंट को निखारें और अपने टैलेंट को आगे ले जाएं, और हम उन्हें हमेशा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते रहें। सो उसी तरह ये भी है सर, जिनसे मैं एडिडास पर मिला, इन्होंने अपनी एक्टिंग की मुझे बातें बताई पूरी, इन्होंने अपना बताया कि एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग की तरफ है। एंड देन आई विल गो टुवर्ड्स कि लाइक दैट, या ही इज रियली रियली वेरी गुड विलिंगनेस पर्सन एंड ही कैन डू द परफेक्ट शॉट एंड द परफेक्ट इंटरेस्ट विच कैन वी प्रोवाइड हिम एज अ बेटर एनवायरनमेंट। सो मैं सर से जानना चाहूँगा कि आपकी पुरानी लाइफ के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, लाइक आपके एक्टिंग पार्ट को लेकर के, आप बचपन में कब से आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी? बचपन में तो मैं जब छोटा था, मतलब लाइक मैंने जब होश संभाला था, फोर टू फाइव इयर्स वी कैन टेक एग्जांपल, लाइक 4 to 5 years, सो आई वॉज ही लिटिल बिट, बट आई नो हाउ टू एक्ट व्हेन आई वॉज क्राइंग। सो इन क्राइंग यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट, सो आई लाइक दैट थिंग। एंड मुझे धीरे धीरे पता पड़ा कि एक्टिंग क्या होती है। माई वन ऑफ फेवरेट एक्टर्स इज शाहरुख खान, सो ऑलवेज आई फॉलो हिम, आई एम नॉट कॉपी टू हिम, बट आई हैव जस्ट फॉलो टू हिम हाउ टू ही बी अ सक्सेसफुल एक्टर इन हिज लाइफ। एंड ऑलवेज आई हैव सीन दैट आई लाइक टू पीपल हु इज स्ट्रगलिंग एंड फ्रॉम डाउन टू अर्थ, सो आई लव टू दैट थिंग, सो दैट्स वाई आई एम हियर ओनली। And I also trying same kind of thing which is can happen. And एक जो acting का एक part होता है one of dialogue, कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, तो वो ही एक real life का एक part होता है। अगर आप किसी को आपके दिल से अगर आप चाहते हो तो वो कभी ना कभी मिलता है। कि बहुत से कम लोग होंगे जो unsuccessful होते हैं life में, बट अगर वो दिल से मेहनत करते हैं और एक ही चीज़ को पकड़ के अपना एम रहता है, टारगेट टू टारगेट अगर वो फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक मुझे ये बनना है तो वो बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके वो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको एक सक्सेसफुल मिलती है एंड एक स्माइली फेस होता है कि हाँ मैंने कुछ तो किया लाइफ में, और दैट काइंड ऑफ ए पर्सन आई एम। और मैं भी वही चाहता हूँ। रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड वंडर दैट हाउ जावेद सर इज विलिंग फ्रॉम हिज चाइल्ड एज, आई मीन कि चाइल्ड एज में उस समय पर जब मतलब किसी भी एक बच्चे को ये नहीं पता होता है कि यार ये मुझे करना क्या है, करना तो खैर बहुत दूर की बात हो गई,
उसे इन चीजों से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं। उस एज से इनो के अंदर एक एक्टिंग का जुनून था, रोने में एक्टिंग, एक्चुअली हर चीज में एक्टिंग, उन्हें हर चीज को इमोशनली टच करके एक्टिंग। मैंने खुद अपने सीन के साथ में जितने भी मैंने शूट किए हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मैंने सारे शूट में देखा है कि इन्होंने हर जगह हर चीज में इमोशंस में, चाहे वो कोई छोटे से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, हर जगह इन्होंने एक्टिंग को बिल्कुल उस वे में लिया है। एंड वन मोर थिंग कि क्या मैं जान सकता हूँ आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि जब भी मैं नए लोगों से आपको मिलवाता हूँ, लोगों का यही कहना होता है कि ये पर्सन आई थिंक गोवा से है, कोई बोलता है बॉम्बे से है, कोई बोलता है केरल से है, कोई बोलता है बहुत अमीर घर से है, रिच पर्सन है, बट आई वॉन्ट टू नो, माई पब्लिक वॉन्ट टू नो दैट फ्रॉम वेयर आर यू बिलोंग्स टू। एक्चुअली ये सब बातें तो अलग है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंदौर ओनली इन दी एमपी सिटी एंड आई बिलोंग टू इंदौर, सो दैट सिटी इज वेरी नाइस और मैंने वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। एक्चुअली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सलमान खान ऑल्सो, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर, सो मेनी पीपल फ्रॉम द इंदौर एंड दे आर वर्किंग इन मूवी एंड दे हैव सो मेनी टैलेंट। यू कैन सी दैट सलमान इज अ बिग 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 ऑफ सलमान खान इज अ बिग बिग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द इंदौर, सो दैट्स वाई आई लाइक दैट। एंड मैं इंदौर से हूँ और मैं कोई ज़्यादा बड़े घर का तो नहीं हूँ, बट एक नॉर्मल फैमिली से हूँ एंड मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, हम कह सकते हैं कि जॉब से लेके जॉब भी करना होती थी, समटाइम आई हैव टू वर्क, सम आई हैव टू डू लाइक डांस, मुझे उन सब चीज़ में मैनेज करना होता था एंड आई हैव टू मेक हैप्पी टू पीपल ऑल्सो, मेक टू हैप्पी माई फैमिली ऑल्सो एंड मेक टू मी हैप्पी ऑल्सो, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में और वो सब चीज़ें मैंने अपने आप से निकाली और उन चीज़ों को एक देखा। प्रॉब्लम्स इज यू कैन कीप द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड आप साइड में उसको अपनी प्रॉब्लम रखो, अपनी खुशी साइड में रखो, सब कुछ होता है, और एक अपना वर्क साइड में रखो। सो अगर आप सब चीज़ें मैनेज करके चलते हैं सो दैट्स लाइफ इज शुड बी गुड एंड आफ्टर दैट मैंने हमेशा ये सब चीज़ें देखी लाइफ में। बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, पीपल थिंक लाइक दैट कि आपको तो करना ही नहीं चाहिए और नेगेटिव पीपल ऑल्सो कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन वॉट विल यू डू? देन आपका सबसे अच्छा होता है आपका सबसे अच्छा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो आपका ही आप खुद होते हो, जो आपका डिसीजन आपके पास होता है। रियली अ वेरी इम्प्रेसिव, वेरी 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 इम्प्रेसिव लाइन टॉट बाय मिस्टर जावेद खान सर, दैट यू आर यूअर सेल्फ टीचर एंड यू आर यूअर सेल्फ गाइड, बिकॉज नो वन है वॉन्ट यू टू हैव देयर ऑन दी योर फुलफिलिंग योर ड्रीम एंड एवरीथिंग। ना ही कोई चाहता है कि आप किसी बड़े लेवल पे जाएं, ना ही कोई चाहता है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वो आप खुद होते हैं जो उस चीज को डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है और मुझे उस लेवल पे जाना है। रियली वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी 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 रियली आई एम ग्लेड टू हैव यू सच लाइक एक्टर इन आवर सीरीज। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक काइंड ऑफ दैट बिकॉज़ आई एम नॉट सक्सेसफुल आल्सो, बट आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई स्टिल आई एम हियर एंड आई एम ट्राइंग टू माई वर्क हार्ड, सो इट्स ओके। एंड आपने मुझे सीरियसली आपने मुझे इतना मतलब बोला, मैं इतना कुछ बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बस ये अपनी छोटी सी लाइफ में स्पेंड करना चाहता हूँ। नो वन इज बिगर इन दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, नो वन इज बिगर, ओनली द बिगर वन इज थिंग इज हिज माइंड एंड हिज पॉपुलरिटी एंड वन मोर थिंग इज टैलेंट, ओनली थ्री थिंग्स आर ऑलवेज बिगर एज यू कैन सी इन द वर्ल्ड एंड ऑल द थ्री थिंग्स विच यू हैव, दैट्स व्हाई यू आर ऑल्सो बिगर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वुड लाइक टू टेल हिम मिस्टर गौरव चौहान, बिकॉज इन्होंने एक मुझे छोटा प्लेटफॉर्म दिया और वो प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, जो कि मैं चाहता हूँ उसमें अपना खुद जो मैंने सीखा लाइफ में, जो मेरा एक्ट है, मैंने जहाँ भी चीज़ा, मैं अपनी पूरी की पूरी मेहनत, आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट। और मुझे वो बहुत ही खुशी है कि मैं आज ऐसी सिटी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ जहाँ मुझे जॉब करना थी, वहाँ पर उज्जैन इज़ नॉट लाइक बिग सिटी, इट्स वेरी स्मॉल सिटी, बट मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैंने अपनी सिटी में कभी वो चीज़ नहीं मिली एंड नाउ आई एम हियर ओनली, आई एम वर्किंग और मैं चाहता हूँ कि अपना ये वर्क मैं बहुत ही अच्छे से करूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड थैंक्स 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 मिस्टर गौरव कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको खाना जावेद सर? इट्स वेरी नाइस, फूड तो मुझे बहुत पसंद है, इवन एमपी का ही फूड सबसे ज़्यादा अच्छा है। एमपी में एक्चुअली आई हैव राउंडिंग लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, सो आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स
but food like only empty. I don't know, and I love to my city though, so I love to that. That food is very nice. So मुझे वहीं का खाना and सब चीज़ें पसंद है और वैसे सभी जगह का अच्छा होता है, but मैं अपनी सिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ खाने में. तो सर फिर आपको अगर ऐसा चाहिए यानी कि हमारा जो पूरा आपको अगर प्लान बढ़िया लगा है तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या अभी हमसे जुड़े हैं ना जुड़े. डेफिनेटली आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑल पीपल विच इज दे आर इंटरेस्टेड टू इन एक्टिंग एंड ऑल. सो जो Neo-Flix करके एक साइट आ रहा है, हम लोग का ऐप हो रहा है मूवी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मूवी है. तो जो मूवी का काम है ना बहुत ही, मतलब मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है. आप बहुत फ्री माइंड में जॉब करते हो अपना पर्सनली, और आप एक जो हम लोग एक यूथ को ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें हमसे जुड़े काम करें इंटरेस्टेड, जो आपके ड्रीम्स हैं तो आप कंप्लीट करें. इट्स नॉट लाइक कि एक्टिंग में आपको अपना ड्रीम करना है, आपको जो भी आपकी फील्ड होगी जिसमें आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन डू दैट. तो सर से बहुत रही आपसे अच्छी मुलाकात. आज का शो हम यही खत्म करते हैं सर के साथ में. सर इंस्पायर कर दीजिए हमारे. थैंक यू, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी टॉक्स और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों की सारी जानकारियाँ. और इसी के साथ में प्लीज़ आप Neo-Flix पर आने वाली जो हमारी अगली पहली स्टोरी है Lifeline, अ सिटी ऑफ एडिक्शन, उसको जरूर देखें प्लीज़. थैंक यू, थैंक यू.